हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ एंट्री हो चुकी है हमारे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पी ओ आर आपको, सॉरी पी क्यू आर आपको 100 दिया है, और वेयर पी क्यू आर ऑन द सर्कल फाइंड ओ पी आर। ओ पी आर, ओके, ये एंगल फाइंड करना है। चलिए, वो सबसे पहले मैं इस एंगल की हेल्प से ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। आपको पता होगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो होता है वो टू ऑफ एंगल पी क्यू आर के इक्वल होता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये आपने निकाल लिया है, पी क्यू आर आपको गिविन है पहले से 100 डिग्री। तो गिविन क्या है आपको, एंगल पी क्यू आर जो है 100 डिग्री गिविन है। तो ये 200 डिग्री हो गया आपके पास। अब आपको एंगल ओनली पी ओ आर फाइंड करना है, तो आपको एक्चुअल में 360 में से माइनस करना होगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ठीक है, 360 में से रिफ्लेक्स पी ओ आर का मतलब है 200 माइनस करो, बचेगा कितना, 160। ये एंगल पी ओ आर का वैल्यू आ गया 160। अब आपको पता है इन ट्राइंगल पी ओ आर, आपको पता होगा पी ओ इक्वल्स टू ओ आर है, क्यों, रेडियाई है। अगर आपके पास ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो आपके पास एंगल ओ पी आर भी इक्वल हो जाएगा ओ आर पी के। ठीक है ना, साइड इक्वल देन एंगल ऑल्सो इक्वल। ठीक है सर, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये कर सकता हूं, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू कह सकता हूं 180। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं ओपीआर की जगह ओआरपी या ओआरपी की जगह ओपीआर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ओपीआर की जगह वैल्यू चेंज लिखूंगा। पीओआर की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी है 160, ये टू ऑफ एंगल ओपीआर हो गया आपके पास। टू ऑफ एंगल ओपीआर कितना हो गया आपके पास, 180 माइनस 160, तो एंगल ओ पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 20। और ये अगर इससे मैं लेस करता हूं तो ये आपके पास ओ पी आर, एक सेकेंड, ये आ गया है 10 डिग्री। अब बताओ क्या फाइंड करना है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीटेड।